जोहार, जय हिंद, जय झारखंड और आज जय महाराष्ट्र। आप सभी फेसबुक पेज में लाइव जुड़ने वाले तमाम साथी, अभिभावक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक सभी को जोहार और एक सूचना संदेश कि प्रथम बार झारखंड से बाहर, बृहद झारखंड से बाहर महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई क्षेत्र अंतर्गत बेलापुर कल दिन के 11 बजे प्रवासी मजदूर बंधुओं की एक सभा आयोजित की गई है, जिसमें हमारी उपस्थिति होगी और हम लोग अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। मैं पहले ही कह दूं, जब ये आंदोलन का आगाज हुआ था, हमने एक लाइन कहा था कि हमें किसी भाषा, किसी क्षेत्र से कोई शिकायत नहीं, हमारे क्षेत्र में उस भाषा, उस क्षेत्र का प्रभाव ना हो। अतः हमारे लिए जय हिंद भी, जय महाराष्ट्र भी, जय झारखंड भी और बाकी जितने भी हमारे भारतवर्ष के राज्य हैं, सबका जय जय हो। लेकिन हमारी आपत्ति तब होती है जब बाकी लोग हमारे क्षेत्र में आकर डोमिनेट करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम इस राष्ट्र में किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, लिंग अथवा किसी अन्य आधार पर किसी से भी भेदभाव और असहमति के पक्ष में नहीं हैं। हमारी असहमति, हमारी आंदोलन, हमारी असहमति तभी बनती है जब कोई क्षेत्र हमारे क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र का नहीं है, जब कोई भाषा हमारे क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र की भाषा नहीं है, स्थापित होने का प्रयास करती है, हम पर थोपने का प्रयास करती है, तब जाकर हम उस पर असहमत होते हैं। टुनटुंदा नगरी कला का विषय हम लोग का संज्ञान में है। आप लोग अपना कागज जो है, उस दिन बकायदा बात हुई थी, उस प्रक्रिया पर आगे जाइए, नहीं तो ग्रामीण एकजुटता के साथ परिचय दीजिए और उस आंदोलन में भागीदार दीजिए। तो फिलहाल महाराष्ट्र प्रवेश हम लोग कर चुके हैं। हमारे महाराष्ट्र में चूंकि जहाँ जहाँ मजदूर होते हैं, उनका राज्य का एक संस्था चलती है, तो उसी क्रम में यहाँ श्रमिक संस्था चलती है। हमारे राज्य के जो झारखंड के प्रवासी मजदूर हैं, उनकी एक इकाई, एक संस्था जो मजदूरों के हितार्थ के लिए कार्य करती है, सोचती है, उसी क्रम में उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के द्वारा इस सभा का आयोजन किया गया है, जो सेक्टर 20 का प्रशासक हाई स्कूल है, विद्या प्रशासक हाई स्कूल बेलापुर नवी मुंबई, जो महाराष्ट्र का अंग है। तो सभी को इस बात की सूचना, तमाम हमारे इस क्षेत्र में जितने भी आसपास के झारखंडी बंधु बांधव रहते हैं, उन सभी से विशेष आग्रह, प्रार्थना, निवेदन, यथासंभव, यदि संभव हो तो कल के सभा में, कार्यक्रम में, जो मूल रूप से किसी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं, अपितु जो श्रमिक हैं, उनकी जो संस्था है, उसी के बैनर तले कल के कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मुरारीदा, आप निश्चिंत रहें, सुरक्षा के लिए निश्चय ही आप चिंतित हैं, उसके लिए आपकी चिंता हमारे प्रति, उसके लिए आभार। हम लोग ठीक हैं और सकुशल अपने झारखंड हम लोग वापसी करेंगे। तो फिलहाल सभी को, और साथ ही साथ यहाँ 2 दिनों में ही बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। हमारे बहुत सारे, बहुत भारी संख्या में झारखंड के प्रवासी मजदूर यहाँ रहते हैं और बिल्कुल आज वो संघर्ष कर रहे हैं, कोई 10 वर्षों से, कोई 20 वर्षों से, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र का जो कल्चर है उसे स्वीकारा है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको स्वीकारा है, जो महाराष्ट्र का वर्चस्व है उसको स्वीकारा है, लेकिन झारखंड में ठीक इसका उल्टा होता है। कल ही हमारे बहुत सारे साथी मिले, जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ हम लोग को सैर कराएँ और उन्होंने अपना ये परिचय दिया कि हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में ड्राइविंग का काम करते हैं। हमने पूछा कि आप जो ड्राइविंग करते हैं तो किनकी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, बोला वो महाराष्ट्र के जो अमीर लोग हैं, जो साहब लोग हैं, उनकी गाड़ी को हम ड्राइव करके अपना हम लोग जीवन यापन करते हैं। तो ठीक, हम भी यही चाहते हैं कि भाई सही बात है, महाराष्ट्र इनका
तो उनको प्राथमिकता। लेकिन झारखंड में ठीक इसका उल्टा होता है, हमारे लोग महाराष्ट्र में भी ड्राइविंग कर रहे हैं और झारखंड में भी ड्राइविंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो यहाँ के लोग हैं उनकी ड्राइविंग कर रहे हैं, और झारखंड में जो गैर झारखंड से गए लोग हैं आज वो धनपति बन गए हैं। तो बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा ये महाराष्ट्र के इस दौरे में, निश्चय ही हमें सीखना होगा। क्योंकि जब झारखंड में नवनिर्माण की बात होगी तो उसमें मजदूरों की बात प्राथमिक होगी, किसानों की बात प्राथमिक होगी, छात्रों की बात प्राथमिक होगी, नारियों की बात प्राथमिक होगी। तो कुल मिलाकर आप बिना मजदूरों के हितार्थ को सोचे झारखंड नवनिर्माण की बात नहीं कर सकते हैं। अतः भारतवर्ष के जिस जिस कोने में हमारे मजदूर भाई रहते हैं उन तक पहुँचना और वहाँ की स्थिति से अवगत होना, उन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए भी है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या स्कोप है। जब हम 40% खनिज संपदा देते हैं, इतना मिनरल्स देते हैं, रॉ मटेरियल्स कच्चे पदार्थ देते हैं, उसके बावजूद हमारे पास स्कोप नहीं है। और यहाँ किस प्रकार से स्कोप है जो मजदूरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में आखिर क्या कमियाँ हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए हमें प्रयास करना होगा। क्योंकि भगत सिंह भी कहते थे, असल आज़ादी तभी आएगी जब मजदूर और किसान आज़ाद होगा, खुशहाल होगा। तो फिलहाल कल महाराष्ट्र की धरती में प्रथम बार प्रवासी मजदूर उनका कार्यक्रम आयोजन किया गया है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं और आगमन आपका हो इसकी अभिलाषा करते हैं। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।